हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर बीआरओ की वैकेंसी कब आ रही है। आखिर बीआरओ की वैकेंसी आ चुकी है, 246 पोस्टों पे वो भर्ती होने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से परिचित है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसकी वैकेंसी आई है। अब मैं आपको सब डिटेल बताने वाला हूँ कि बीआरओ के अंदर क्या क्या काम होने वाला है, या इसमें काम क्या होने वाला है, सैलरी क्या मिलेगी, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और किस किस पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है। ये नौकरी सरकारी है या प्राइवेट नौकरी है। बहुत सारे मेरे पास दोस्तों पहले भी कमेंट कर रहे थे कि ये सर बीआरओ की ये जो नौकरी है ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। जैसे मैंने पिछला वीडियो डाला था एमएस का, उसके अंदर भी कमेंट आ रहे थे। तो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, सैलरी तक भी। तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए दोस्तों, बीआरओ की वैकेंसी है ये 246 पोस्टों पर दोस्तों भर्ती होने वाली है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मैं आपको इसका प्रूफ देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना बिल्कुल। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आया है, जस्ट अभी। तो अब और देखिए, आप इसमें बात करते हैं बीआरओ में जो वर्क कार्य क्या होता है। तो दोस्तों सीधा सिंपल आप देखिए, बीआरओ तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। जो सीमा पर जितने भी मतलब कोई ब्रिज का काम हो, कोई रोड का काम हो, तो सारा कुछ होता है वो बीआरओ देखती है। तो ये बीआरओ का काम होता है जिसके अंदर अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग कार्य होता है। जैसे कोई अब कोई इस मल्टी स्किल वर्कर हो गया, कोई ऑपरेटर हो गया, कोई वेल्डर हो गया, तो इसमें अलग अलग सबके काम डिवाइड अलग अलग किए हुए हैं। लेकिन जो भी रोड से संबंधित कार्य है, कोई ब्रिज हो गया, ये पुल वगैरह निर्माण का कार्य है, वो बीआरओ देखती है। सीमा पे, बॉर्डर पे, सारी जो भी अपने भारत की सीमा पे जो भी कार्य होता है ना रोड संबंधित, वो बीआरओ देखती है। तो हो गया से काम की बात होगी दोस्तों। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट में, देखिए दोस्तों एज लिमिट क्या रहने वाले। दोस्तों इसमें एज लिमिट 18 से 25 साल, अभी तक पहले भर्ती आई थी उनमें भी यही थी, और शायद आगे भी आप नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक यही रहने वाला है 18 से 25 साल। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों 3 साल की छूट दी जाती है। बात करते हैं एसटी और एससी में, एसटी और एससी में 5 साल की छूट दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ 25 और 5, 30 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एसटी एससी वाले, और बाकी 28 साल तक ओबीसी वाले कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। तो दोस्तों बिल्कुल नो टेंशन, ये सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्राइवेट नौकरी है। तो ये गवर्नमेंट नौकरी रहने वाली है। आप फिर कमेंट करके बोलोगे कि सर ये नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है, तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट नौकरी है। अब देखिए आगे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे इसमें। तो दोस्तों पोस्ट के हिसाब से इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है। यदि आपने 10th पास कर रखी है तो भी भर सकते हो, 12th पास कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और यदि 10th या 12th के साथ में आपने ITI कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये हुआ। अब देखिए दोस्तों पोस्टों की हम बात करेंगे। तो इस भर्ती के अंदर टोटल आप ये मानिए कि जनरल कैटेगरी की तो 46 पोस्टों पे भर्ती होने वाली है, और एससी कैटेगरी में 32 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी में 31 पोस्ट हैं, और ओबीसी में 123 और ईडब्ल्यूएस में 14 पोस्ट हैं। इस तरह से दोस्तों 246 पोस्टों पे ये वैकेंसी होने वाली है, जिसमें अभी देखिए आपको बताऊंगा मल्टी स्किल्ड जो वर्कर है, जिसमें दोस्तों कुक की पोस्ट है, कुक के अंदर 82 पोस्ट हैं, इनकी 82 पोस्टों पर यह भर्ती है कुक में। और अभी आप देखिए दोस्तों सेकंड पोस्ट है इसमें दोस्तों कुक के अंदर, यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आप कुक से अप्लाई फॉर्म कर सकते हो, फॉर्म आप कुक से भर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इसके अंदर दोस्तों 35 पोस्टों पे ये वैकेंसी होगी। थर्ड पोस्ट है इसमें वेल्डर, हाँ दोस्तों इसमें भी दोस्तों इन सब में दोस्तों 10th पास रखी गई है। वेल्डर की बात करें दोस्तों, इसमें भी यदि आपने 10th पास कर रखी है, और अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको कंफर्म और पता लग जाएगा, लेकिन पहले दोस्तों इनमें ITI मांगते थे वेल्डर के साथ में, मतलब 10th के साथ में वेल्डर को ITI भी किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आप देखिए मल्टी स्किल्ड वर्कर है दोस्तों, इसके मैंने बताया इसके दोस्तों 22 पोस्टों पर ये 22 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। आगे आप देखिए दोस्तों ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट हैं, जिसमें 14 पोस्टें रहने वाली है, इसके अंदर भी 10th पास रहेगी। और बात करें ड्राफ्ट्समैन की, तो इसमें आप दोस्तों 12th पास होना जरूरी है, 12th पास इसमें होना जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट सुपरवाइजर, जो इस सुपरवाइजर के अंदर 13 पोस्ट हैं, सुपरवाइजर स्टोर्स की, सुपरवाइजर जो भी 3-4 अलग अलग सुपरवाइजर की भर्ती निकलती है, तो जिसमें अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी है, तो इसमें पोस्ट भी सब में अलग अलग डिवाइड कर रखी है। ये देखिए अब सुपरवाइजर इसमें 13 पोस्ट हैं, फिर एक है सुपरवाइजर देखो स्टोर्स के, ये स्टोर्स वाले की 9 पोस्ट हैं। हिंदी टाइपिस्ट की बात करिए 10 पोस्ट हैं, हिंदी टाइपिस्ट में आपको 12th पास होना चाहिए, और आपको हिंदी के अंदर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग आपको आना चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट या 30 वर्ड, जिससे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और कन्फर्म पता लग जाएगा कितना है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से 30 या 35 मान के चलिए, क्योंकि 30 तो इंग्लिश में मांगते हैं।
और बता दिए वालिंदी, और ये हो गया सुपरवाइज, एक अलग से सुपरवाइजर और दे रखा है, इसकी 7 सीटें हैं। फिर बात कर इसमें भी 12th पास चाहिए आपको। फिर आप देखिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन में 30 सीटें दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिशियन में आपको 10th पास होना चाहिए दोस्तों। यदि आप 10th पास हो तो आप इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको ITI जरूरी है। इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म भरना है तो आपको दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के साथ में ITI भी जरूरी होना जरूरी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। तो इसके बाद में हम बात करेंगे PWD कैटेगरी वाले की वैकेंसी। दोस्तों PWD में देखिए OH हो गई, VH हो गई, HH हो गई, इसकी टोटल 16 पोस्ट है, अलग से और रखी गई है दोस्तों। इसमें 16 पोस्टों पे भर्ती है, OH की, VH और HH। तो ये भी इसमें फॉर्म, PWD वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये तो हो गए दोस्तों पोस्टों की बात हो गई दोस्तों, 46 पोस्टों की। अब देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस में अभी इसका कोई कंफर्म सिलेबस नहीं है, लेकिन हम अपने आइडिया से जैसे पहले एग्जाम होते थे उस हिसाब से मैं आपको एक अनुमानित सिलेबस बताने वाला हूँ। जैसे आप देखिए GK के अंदर बात करें जनरल अवेयरनेस में, तो दोस्तों 25 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है कि शायद 25 नंबर तक या 25 क्वेश्चन 25 नंबर के इसमें आने वाले हैं। बात करें तो रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन, और इसमें ट्रेड के 25 क्वेश्चन। मतलब कि ट्रेड का मतलब ये होगा जैसे आपने जिस ट्रेड से फॉर्म भरे, जैसे मान लो आपने मल्टी स्किल्ड वर्कर से भरे हो, तो इसके संबंधित आपको 25 क्वेश्चन पूछ ले। सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर से संबंधित पूछ ले। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बात करें तो इलेक्ट्रिशियन के 25 क्वेश्चन आपको ट्रेड के पूछ ले। वेल्डर में जैसे आपने ITI कर रखी है तो वेल्डर के 25 क्वेश्चन पूछ ले। इस हिसाब से अभी ये कोई कंफर्म नहीं है, अनुमानित सिलेबस है हमारे हिसाब से। जैसे ही कोई कंफर्म सिलेबस आएगा तो या नोटिफिकेशन, तो हम आप तक वीडियो पहुंचा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहना। और ये हो गई, अब हम इसके बाद में बात देखो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से हो गए। इसके बाद में सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 पे लेवल तक है इसमें। लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका कट पिट करके सैलरी लगभग 28,000 के लगभग रहने वाला है। 28,000 के समथिंग आपका वेतन रहेगा कट पिटने के बाद में, और इन हैंड मिलने वाली है। इसके बाद देखिए दोस्तों काफ़ी सारे सवाल है कि टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं, तो मैंने काफ़ी पहले बता दिया आपको कि इसमें टाइपिंग वाली जो पोस्ट है इसी से टाइपिंग पोस्ट होगा। सभी पोस्टों पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन जो टाइपिंग वाली हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन का आपको जवाब दे देता हूँ, क्योंकि फिर बार बार आपके कमेंट करके आपको सस्पेंस होगा कि इसमें क्या होगा, मान लो टाइम मिले मेरे को नहीं मिले, तो उस हिसाब से। और आपके कई दोस्त हैं वो पूछेंगे कि फिजिकल होगा या नहीं, तो देखिए फिजिकल की बात ही है कि इसमें फिजिकल वाली ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिसमें आपका फिजिकल हो, और बाकी तो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन आज तक इन पोस्टों पे फिजिकल नहीं हुआ, तो हमारे हिसाब से फिजिकल नहीं होना चाहिए, इसमें फिजिकल नहीं होगा। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करते हैं, तो अप्लाई डेट भी जब तक कोई कन्फर्म नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक अप्लाई डेट के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 100 नोटिफिकेशन के आधार पर। बात करते हैं दोस्तों फीस की, फीस इसमें 50 रुपये रहने वाली है, और ST SC और जो भी आरक्षित वर्ग है उनमें कोई फीस नहीं लगने वाली है इसके अंदर। और तो दोस्तों बात करते हैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन की। दोस्तों पूरा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपको PDF फाइल के रूप में चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल रखा है, तो आप वहाँ से PDF फाइल प्राप्त कर सकते हो। और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपका पूरा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए बात, यदि कोई सवाल है क्वेश्चन, यदि दोस्तों आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ इससे संबंधित कुछ पूछना है हमें, तो आप हमें निसंकोच होकर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको जैसे टाइम मिलता है हम आपको रिप्लाई करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल से आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये हमारे वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। और कोई भी आपको सवाल कमेंट करना हो दोस्तों इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो भी हम रिप्लाई करेंगे, या टेलीग्राम पर करोगे तो भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यह मैंने वीडियो आपके तक, अब तक ये भर्ती का नोटिफिकेशन तो आएगा फुल, तब तक हम आपको बता देंगे, लेकिन ये मैंने बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।